दिल्ली में गए थे? बात मैं दिल्ली में नहीं गया था, मैं शिलोंग गया था और मैं गुवाहाटी से आज वापस आ रहा हूँ। सर दिल्ली से आपके पास कोई कॉल आया था क्या अभी, मतलब बीजेपी के साथ कुछ कॉल्स आए हैं? लेकिन मैंने अपना पोजीशन क्लियर रखा है कि गवर्नमेंट में बैठने के लिए दो तीन लोगों ने बात भी किया है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। अगर आज मंत्री बनकर हम बैठ गए गवर्नमेंट में और अपने कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया तो ये वही चीज़ होगा जो IPFT ने किया था। हम चाहते हैं कि हमें एक सम्मान से एक कॉन्स्टिट्यूशन जो दिल्ली ने हमें बुलाया था इलेक्शन के पहले उसी बात में बात शुरू कीजिए। बात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का बात होगा उसी के बाद हम गवर्नमेंट के बारे सोचेंगे, वरना बिना अपने 14 लाख तिपरासा को कुछ देकर अगर दो तीन लोगों को मंत्री बना दिया तो ये हमारे तिपरासा हमारे जनजाति के संग नाइंसाफी। सर ओथ टेकिंग के बारे में आप लोगों का क्या डिसीजन है अभी? ओथ टेकिंग तो हम नहीं कर रहे हैं, ओथ टेकिंग तो ऑनरेबल CM मानिक शाह जी कर रहे हैं। और आपके जो MLAs हैं उनके एक हम साथ तो, नहीं हमारा तो ओथ टेकिंग कल नहीं है, कल तो शायद सिर्फ मंत्रिमंडल का। आप लोगों का कब है कोई? वो तो जब ये लोग नोटिफाई करेंगे तभी होगा, ये तो हमारे मेरे नॉलेज में नहीं। आसाम के CM ने बुलाया, बात किया, मैं समझता हूँ उनका क्या पॉइंट है, उसको भी समझना चाहिए मेरा पॉइंट। बीच बैठकर बीच में बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन जो भी सोल्यूशन होगा ये कम्युनिटी का सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन का सोल्यूशन होना चाहिए। हम लोग 13 MLAs बन के आए हैं और अगर किसी को लगता है कि 30% तिपरासा को छोड़कर अगर त्रिपुरा में वो लोग राज कर सकते हैं तो आने वाले दिन में सबको प्रॉब्लम भी होगा। हम क्या चाहते हैं? हम भूमिपुत्र हैं, हम हानि पुसा हैं, हम अपना अधिकार चाहते हैं। आप हमारा अधिकार हमें दीजिए, सम्मान से दीजिए, हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये अलायंस होगा सिर्फ क्योंकि मंत्री बनना है तब अलायंस नहीं होगा, ये अलायंस तभी होगा जब आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दें। थैंक यू।